गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास थर्ड, चैप्टर फर्स्ट. चैप्टर फर्स्ट इज थिंग्स अराउंड अस. अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था जो अपन ने नेचुरल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्लियर की थी. डिफरेंट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंट भी दोनों में किया था. फिर अपना ए एंड बी कंप्लीट हो चुका था. आई होप आपने वो नोट भी कर लिया होगा नोटबुक में. एंड नेक्स्ट अपन लेके आते हैं सी. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम ए एंड बी अपन को क्या करना है, मैच करना है करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट अपना है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग इसमें से कौन सी है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग? कांट फील फेसेस द सन, कांट ग्रो रेन. तो क्या है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग? रेन. तो ये किससे मैच हो जाएगा? रेन से. डी. मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स ना तो फील कर सकते हैं और ना ही ग्रो कर सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे इसमें? Can't grow. Robot. Robot क्या feel कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता. तो इसमें क्या जाएगा? Robot can't feel. Sunflower. Sunflower का faces किधर रहता है हमेशा? Faces the sun. ये अपने natural non living things, rain, man made things, can't grow, robot can't feel and सनफ्लावर फेसेस द सन. हमेशा किस तरफ रहता है? सन की तरफ फेस रहता है. तो ये अपना क्या हुआ? सी कंप्लीट. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. अब अपना है डी. राइट ट्रू और फॉल्स. अपन को क्या लिखना है इसमें? ट्रू और फॉल्स की सेंटेंस पढ़ के अपन को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ए सीड ग्रो इन टू ए प्लांट. ए सीड एक बीज जो किस में ग्रोथ करता है? एक प्लांट में. एक बीज से क्या लगता है? प्लांट. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि एक सीड किस में ग्रोथ करता है? प्लांट में ग्रोथ करता है. तो ये ट्रू है. तो अपन क्या लिख देंगे इसमें? ट्रू. टी आर यू ई ट्रू. नेक्स्ट अपना है सेकेंड क्वेश्चन. बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. बहुत ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में सारे और एनिमल्स है, वो सारे डिपेंड रहते हैं किस पे? प्लांट पे. ये कह रहा है खाने के लिए. ऑब्वियसली सही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है. अपन को जो भी सारा खाना मिलता है कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. और एनिमल्स भी क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं. और जो मानो कि प्लांट्स नहीं खाते हैं तो वो किसको खाते हैं? वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं. तो इस तरीके से दोनों ही क्या हुए? पूरी तरीके से ह्यूमन बींग्स चाहे और एनिमल्स पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं. तो इसमें क्या जाएगा? तो इसमें भी क्या जाएगा? ट्रू. बहुत एनिमल्स एंड बहुत ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. तो इसमें भी क्या जाएगा? ट्रू. टी आर यू ई ट्रू. नेक्स्ट अपना है थर्ड. प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट. प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट. प्लांट्स क्या नहीं करते हैं? मूवमेंट शो नहीं करते हैं. तो ये ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि प्लांट्स तो मूवमेंट शो करते हैं. अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि प्लांट्स किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं. तो प्लांट्स अपनी मूवमेंट शो करते हैं, जैसे ये टच मी नॉट प्लांट वाला, तो ये मूवमेंट है सनफ्लावर की. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? फॉल्स. एफ ए L S E. ओके, F A L S E, फॉल्स. नेक्स्ट अपना है प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं. एयर ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि प्लांट्स तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और इसमें तो उल्टा बोल रहा है. तो इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा? फॉल्स. फॉल्स.
नेक्स्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एयर वाटर टू लिव. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. नॉन लिविंग थिंग्स को ना तो खाने की जरूरत होती है, ना हवा की और ना ही पानी की जिंदा रहने के लिए. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, बिकॉज सही है. नॉन लिविंग थिंग्स वो तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है तो उनको ना तो फूड चाहिए, ना एयर चाहिए, ना वाटर चाहिए. तो ये क्या है? ट्रू. ट्रू. ओके, आज अपना कंप्लीट हुआ सी एंड डी. आई होप आपने ए और बी कंप्लीट किया होगा. आज आप राइट करेंगे सी एंड डी. ओके, और कल अपन लेके आएंगे ई. तो आज का आपका वर्क होता है सी और डी. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड ट्रू एंड फॉल्स. ये आपको नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू.